हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं हूं आपका दोस्त नवीन, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखिए तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारी आज की वीडियो किस पेज पे है। जी हाँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा, ये वाले ब्लॉग आने में थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा गाइस। लेकिन काफी लंबे टाइम के बाद मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसे ब्लॉग के साथ जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज जितने भी प्लान के लोग हैं या मैं पहाड़ों के लोग कहूंगा, उनका मेन मोटिव होता है कि वो ऐसे एरिया में स्टे करें जो क्लोज टू नेचर हो, फॉरेस्ट हो, ग्रीनरी हो, वहां पे नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो, स्पेशली स्नोफॉल विंटर में जरूर। लेकिन व्यूवर, जो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है जो मैंने आपको बताया, जो स्पेशली उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल काफी ज्यादा होता है, इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है काफी डिफिकल्ट रहता है बाकी लोगों से। मैं आपको बताऊं, अभी अक्टूबर का मंथ है जैसे हम सभी जानते हैं, तो ये लोग अभी ग्रास कटिंग्स, लकड़ियां इकट्ठे करना और जो भी खाने पीने की जो आइटम्स होती हैं अभी से स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो उस टाइम पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम घर से बाहर निकल लें, बिकॉज 2 फीट 3 फीट स्नोफॉल जब होगा तो उसमें वॉक करना नामुमकिन सा मैं कहूंगा। और अगर कोई वॉक भी करता है तो पूरा पूरा चांसेस वहां पे रहते हैं गाइस। तो गाइस, इसकी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे किस तरह से घास की कटाई करते हैं, लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। बिकॉज स्पेशली क्या होता है कि जहां पे ज्यादा स्नोफॉल होती है इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम चले जाती है। अब मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम साथ छोड़ देती है, तो गाइस उस टाइम सिर्फ सहारा होता है लकड़ी का, तो लोग चूल्हे में आग जला के ही पूरा टाइम व्यतीत करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में कि यहाँ पे लोग टाइम पास के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या होता है उस टाइम का। और आपको वेदर भी दिखाता हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है फर्स्ट टाइम मिले। गाइस, एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन रहता है, जैसे हमारी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इसमें आपको कुछ डाटा यूटिलाइज नहीं होता है और ना ही आप कहोगे कि कुछ आपका खर्च होने वाला, लेकिन आपको सिर्फ हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं ये है सेब के पेड़। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाऊं, जो पहाड़ी का व्यू है, तो आप देखिए स्नोफॉल की वजह कैसी दिखती है। एज वी नो कि हम सभी को राजमा खाना काफ़ी पसंद है, तो ये है राजमा और इसकी जो बेल है वो पेड़ पे गई है। गाइस, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम एक मशीनी युग में जी रहे हैं, तो ये घास की कटिंग हो रही है, इसे ग्रास कटर कहते हैं। और ये काफी अच्छा एक एडवांटेज है सभी किसानों के लिए कि इसके थ्रू आप एक अच्छी प्रोग्रेस निकाल सकते हो। अगर हम कुछ बीते वर्षों की बात करें तो ऊन की कटाई एक मुख्य रूप से टाइम पास का अच्छा साधन था। लोग अपने घरों में आग जलाकर ऊन की कटाई करते थे, और साथ ही साथ अगर मैं भी प्रेजेंट की बात करूं तो भेड़ बकरी का पालन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग अभी भी ऊन की कटाई करते हैं जब काफ़ी स्नोफॉल होता है। और साथ ही साथ अगर मैं अपर हिमाचल की स्पेशली बात करूँ तो लोग चलाई मक्खी ये जो सीड होते हैं उसको रोस्ट करके खाते हैं, तो ये सभी एक टाइम पास का काफी अच्छा साधन होता है।
वीवर्स और साथ में मैंने आपको ये दिखाया 2020 का फर्स्ट स्नोफॉल। तो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, होपफुली अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, और हमने भी स्टार्ट कर लिया है जैकेट पहनना। गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।